Hey guys, what's up and welcome to a new episode of Age of Empire 4. So last episode में हमने Conquer Novograd करके mission start किया था, जिसमें अभी Ivan the Third, एक second. रुको, तो Ivan the Third जो कि डिमित्री के पोते का बेटा यानी कि ग्रेट ग्रैंडसन है, वो अभी किंग है मॉस्को का. एंड उसने जो पूरे रूस एम्पायर है उसको यूनाइट करने का ठान लिया. तो ऑलमोस्ट सारे जो भी इंडिपेंडेंट छोटे छोटे किंगडम्स थे वो सब उसके रूल के अंडर आ गए. बस एक लास्ट बचा है नोवोगार्ड जो है, तो अब उसी पे अटैक कर रहे हैं क्योंकि वो रेफ्यूज कर रहे हैं इन्हें ज्वाइन करने से. तो इसको अटैक करने से पहले स्ट्रैटेजी ये थी कि आसपास के दो विलेजेस थे उन्हें हमें कंट्रोल में लेना था. तो वो अपन ने लास्ट एपिसोड में किया. आज अपनी आर्मी वगैरह पूरी तैयार हो चुकी है, एक इकोनॉमी भी बिल्ड हो चुकी है. स्टोन थोड़े कम है, बट आई डोंट थिंक हमें स्टोन की इतनी यूज आने वाली है. स्टोन का मेन यूज तब आता है जब अपन को गार्ड करना होता है, तो अपन स्टोन वॉल्स वगैरह बना के काफी अच्छे से गार्ड कर सकते हैं, वरना अभी इतना यूज है नहीं स्टोन का. बाकी सारी अपनी इकोनॉमी एकदम खतरनाक है. फूड तो मेरे पास 11,000 हो गए. एनीवेज, तो आज अपन जो मेन है नोवोगार्ड का सेंट्रल किंगडम जो आप बोल सकते हो, वहां पे अटैक करने वाले हैं. एंड उससे पहले हमें उनकी जो मिलिशिया मैन है, बेसिकली मुझे लग रहा है उसकी मिलिट्री होगी, जो फ्रंट आर्मीज होती है ना, फुट आर्मीज जो होती है जो स्टार्टिंग में रहती है, उनको हराना पड़ेगा. उसके बाद अपन मेन उनके टाउन सेंटर पे घुस सकते हैं. तो यह स्टार्ट करते हैं. ये देखो, यहाँ पे मेरे हॉर्समैन है, ये मेरे फुट सोल्जर्स है, ये अपने आर्चर्स है रेंज्ड वाले, ये ट्रेबुशेट्स जो लॉन्ग रेंज अपन को वॉल वगैरह तोड़ने में एंड कुछ ये वगैरह बिल्डिंग्स तोड़ने में मदद करेंगे. एंड ये एक रैम्प है, ये भी वॉल तोड़ने में मदद करते हैं, बट ये लॉन्ग रेंज नहीं, पास में आके तोड़ते हैं. और ये दोनों एनिमी यूनिट्स को मारने के लिए, इनका नाम शायद मंगोनेल्स ऐसा समथिंग है. भाई ये लोग एकदम ताव ताव में पता नहीं किधर चले आते हैं. तोड़ो इसे. से मतलब एक स्ट्रेटेजिकल डिसएडवांटेज ही है कि अब अभी कुछ दिखता नहीं है वो क्या है, फिर मुझे मिनी मैप पे कंटिन्यूसली ध्यान रखना पड़ता है. पहले इनका ना गेट डिस्ट्रॉय करेंगे अपन. सारी आर्मी आ चुकी है ना, कभी कभी थोड़े से पीछे छूट जाते हैं. ये देखो जैसे ये बंदा छूट गया. अरे ज्यादा आगे नहीं जाना है रे तुमको, एकदम फॉर्म में आ जाते हैं ये सब. रुको 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 रुको, अभी तक इनके टावर्स डिस्ट्रॉय नहीं हुए, ज्यादा आगे बढ़ जाओ. अरे
इस पे अटैक करो सब पहले जाओगे सब अटैक करो इस पे तुम सब पीछे की रुक गए जाओ अटैक करो इस पे वही काफी सारे लोग तो पीछे रुक गए बहुत सारे लोग आ रहे हैं पीछे जाओ फॉल बैक करो इसको तोड़ो बाद में बाजू में चाहेंगे बढ़िया 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 ये काफी टैक्टिकल बना के रखा है ये देखो पूरा डिवाइड करके रखा पहले ये उसके बाद इनका और अंदर कनेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे सब अपन देख नहीं पा रहे कितने आर्मीज है एक्चुअली किंग अपने यही पे है उसको मैंने इसलिए इधर रखा है क्योंकि ये चीजें एकदम जल्दी जल्दी बनाने में मदद करता है यहाँ पे क्या हो रहा है ए, तुम लोग कैसे आ रहे हो यही पे रुको ना तोड़ता वॉल रुको दो मिनट मिलिशिया एनिमेट हो गई नाइस गेम सेविंग Although outnumbered, the Muscovite army overcame the vast people's militia. Now Ivan's army would march on the power center of the Republic, the capital city of Novgorod. Novgorod idhar hai. Okay. Okay, cool. Ek second. Main zara save kar lu. Ye apan ne kafi par kar liya hai aur agar aise achanak se power cut ho gaya na ऑटो सेव अच्छा ऑटो सेव अभी है ऑल ऑफ नोवगार्ड ऑटो सेव ठीक है पावर कट हो गया ना ये जो वीडियोस में रिकॉर्ड करते हो करप्ट हो जाती है और फिर अपन उसे एडिट वगैरह कुछ नहीं कर पाते एक्सपोर्ट करना पड़ता है ना यूट्यूब फॉर्मेट में वो सब नहीं हो पाता फिर काफी दिक्कत देता है चलो गेट आगे बढ़ते हैं चलो अपनी पॉपुलेशन कैपेसिटी मैक्सिमम पे रीच है ना एंड कोई कैनन बनाने के लिए भी कैनन बन गया है बट पॉपुलेशन कैपेसिटी मैक्सिमम है इसलिए वो अभी बाहर नहीं आएगा थोड़े से वॉरियर मंक्स ऐड करना काफी सही होता है वो लोग हील करते रहते पीछे हो जाओ अभी नहीं पहले इनके गेट तोड़ते अपन सब आ गए ना या सब आ चुके ओके कूल 20,000 हो गया खाना मेरे पास खाना काफी तुम में से काफी सारे लोग खाना निकाल रहे हो कुछ लोग ना वुड पे जुड़ जाओ वुड थोड़ा सा कम है गोल्ड भी अपने पास मस्त आ रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं ये दूसरा सिविलाइजेशन था जो वुड एकदम खचाखच इकट्ठा करता मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा वाला है तो हर एक सिविलाइजेशन का प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट है कोई गोल्ड इकट्ठा करने में ज्यादा फास्ट होता है कोई खाना जल्दी इकट्ठा करता है खाने में भी अलग अलग टाइप्स है जैसे बेरी सुल्तानी जो है ना वो बेरीज जल्दी इकट्ठा करते हैं जबकि अगर आप रूस देखोगे तो इनके हंटिंग कैबिन्स है तो एनिमल्स मार के ज्यादा जल्दी खाना हार्वेस्ट करते हैं तो अगर आप उसपे फोकस उसपे ध्यान नहीं दोगे ना तो आप फायदा नहीं उठा पाओगे इनका मार
The Muscovite army destroyed the outer wall and entered the city. In the heart of the capital stood Novgorod's gleaming symbol of independence, the Vechi Bell. The Vechi Bell, okay. Ivan would tear it to the ground. पीछे हो जाओ, सब पीछे हो जाओ, सब पीछे हो जाओ। ट्रेबुशेट को जाने दो, ये जो भी अटैक कर रहा है उसको ट्रेबुशेट तोड़ेगा आपका। डिस्ट्रॉय द वेची बेल, ये बेल को तोड़ना मेन इंपॉर्टेंट काम है अपना, वो उनका सिंबल ऑफ इंडिपेंडेंस है काइंड ऑफ। अटैक अटैक अटैक, भसड़ बच गई, अपनी आर्मी इतनी बड़ी है। अच्छा ये और उस तरफ है, गेट तोड़ना पड़ेगा, पहले तो एकदम अंदर की तरफ है इनका। इतनी मेहनत से तोड़ा था, वॉल स्कैम हो गया पूरा। चलो उनका यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉय हो गया, यूनिवर्सिटी या लाइब्रेरी था वो। अंदर चलो, तू भी आ जाएंगे। अरे किधर आ गया मैं? अरे गलती हो गई। अच्छा ये डिस्ट्रॉय करना है, ये तो हो गया, पार हो गया फिर। ठीक है, एकदम पास में ही था। सब इस पे जाओ सर, ये तो अभी 2 मिनट में डिस्ट्रॉय हो जाएगा, 5 सेकंड नहीं लगेंगे देखना अभी। Novgorod's great Vechi bell chimed for the last time, let's go, sounding the end of the Republic's independence. Oh,
आज के एपिसोड में कुछ ऐसा स्ट्रेटजी के नाम पे था नहीं है, इकोनॉमी सब अपन ने बिल्ड कर ली थी। As the fires of Moscow's wrath burned across the snow-laden city, the last remnants of the great republic fell to ruin. Oh, nice. Ivan III's vision of gathering all power to Moscow was almost complete. Okay, let's go. अभी कितने मिशन बचे होंगे अपने? मुझे लग रहा है तीन या चार मिशन बचे होंगे, क्योंकि अपन सेकेंड हाफ क्रॉस कर चुके हैं कैंपेन का ऑलरेडी, तो उतने ही बचे होने चाहिए। अपन ने जो भी स्ट्रैटेजिक मूव्स थे वो लास्ट एपिसोड में कर लिए थे, जैसे कि सैक्रेट साइट्स पकड़ना, रेलिक्स ढूंढ के निकालना, हंटिंग हट्स जो है वो बिल्ड अप करना, और आसपास के दो विलेजेस को कैप्चर करना, जिससे अपने खाने की मतलब इकोनॉमी में स्टोन छोड़ के गोल्ड, फूड और वुड, इन तीनों में कोई दिक्कत नहीं हुई, जिससे अपन मतलब काइंड ऑफ अनलिमिटेड आर्मी जनरेट कर पा रहे थे। 1478 नोवोग्राड कंप्लीट। ओके, अगला अपन ऑब्वियसली नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। मुझे पता है आज का एपिसोड थोड़ा छोटा है, बट क्योंकि एक नया मिशन स्टार्ट हो रहा है तो मैं उसे इसमें नहीं करना चाहता, क्योंकि हर मिशन की स्टार्ट में एक बढ़िया सा सिनेमैटिक वगैरह आता है एंड वो सब पूरा अच्छे से एक्सप्लेन होता है। मैं इसे अगर एपिसोड के एंड में डालता हूं तो एपिसोड के एंड तक सारे व्यूवर्स आते नहीं है, ज़्यादातर लोग आधे एपिसोड्स वगैरह देखते जो मेन चीज़ हो जाता है अटैक वगैरह, उसके बाद चले जाते। तो मैं ये जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ये हमेशा एपिसोड की स्टार्टिंग में करने में ज़्यादा मतलब बिलीव करता हूँ, वो ज़्यादा सही रहता है। इन अ शो ऑफ स्ट्रेंथ Rus would stare down their conquerors. Okay, conquerors in a resolute stand for independence. Okay, so finally, अभी मुझे लग रहा है Ivan the Third होगा 1478, 1480. ये वापस अभी Mongolians पे attack करने वाला है. Okay. मुझे doubt है पर अपन ये वाला जीतेंगे, क्योंकि आप देख रहे हो खत्म हो रहा है 1552 में Kazan में. तो चांसेस है कि शायद ये लोग वापस आ जाए फिर फाइनली 1552 में जीते, क्या पता। मैं जस्ट एज्यूम कर रहा हूँ, मुझे ये वाली हिस्ट्री वगैरह पता नहीं है, ये मैंने पढ़ा भी नहीं है कहीं पे, ना ही रीड किया, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। एनीवेज, अगर आप ये कैंपेन में इंटरेस्टेड हो तो अगला एपिसोड देखना जरूर आइएगा। आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।